कर्षयन्तः शरीरस्थम् भूतग्राममचेतसः मां चोवन्तः शरीरस्थम् तान् विद्धयासुरनिश्चयान्। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं श्रेणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृद्या आहारः सात्विक प्रियः। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कट्वम् लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहार राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदः। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है और जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अफलाकांक्षी भिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय ससात्विकः। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। अभिसंधाय तु फलम् दम्भार्थम् अपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठतम् यज्ञम् विद्धि राजसम्। परंतु हे अर्जुन, केवल दम्भाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। विधिहीनम् असृष्टानम् मंत्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धा विरहितम् यज्ञम् तामसम् परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता,
सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यासनम चैव वाङ्मयम् तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों को भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधित तप कहा जाता है। श्रद्धया परया तप्तम् तपस्तत्त्रिविधं नरेह अफलाकांक्षिभिर्युक्तेह सात्विकं परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम्। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वातत्तामसमुदाहृतम्। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दातव्यमिति यद्दानम् दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम् सात्विकम् स्मृतम्। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम् फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टम् तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। आदेश काले यद्दानं अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है।